क्या कहें भरद्वाज जी? श्री भरद्वाज जी प्रभु से कहते हैं, नाथ आज सुफल क्या तप तीर्थ त्यागो। मेरे जीवन भर का तप, आज तक का तीर्थ का वास, और जो संसार के विषय का मैंने त्याग किया वो त्याग आज सब सफल। आज सफल क्या जप जोग विरागु, मेरे जीवन का जप जोग वैराग्य तप जप पूजन व्रत, जितना साधन मैंने आज तक किया, मेरे जीवन के सारे साधन आज प्रभु सफल हो गए। राम जी बोले, एक ही साथ सफल हो गए? बोले हाँ प्रभु, एक साथ। कैसे? उत्तर, राम तुम ही अवलोकत आजू। आज आपका दर्शन भया ना प्रभु, मेरे जीवन के आज तक के जितने साधन थे सब के सब साधन सफल हो गए। अब यहां एक बात समझिएगा, हम जो पूजा करते हैं, हम जो जप करते हैं, हम जो तप करते हैं, हम लोग जितने साधन करते हैं, इसका फल ये नहीं कि अकाउंट में खूब रुपया चरचर आ जाए, वो तो फिक्स है। कितना धन आपके पास आना है माई बाप, फिक्स है। न कौड़ी घट सकता है, न कौड़ी कोई आपको दे सकता है, कदापि नहीं। बिटिया के भाग्य में सुख होगा तो फकीर के साथ शादी करोगे तो अमीर बन जाएगा, और बिटिया के भाग्य में सुख नहीं होगा ऐ अमीर से करोगे फकीर बन जाएगा। ये कोटा फिक्स है एकदम, इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। एक कथा एक संत सुना रहे थे कि बाबा और मैया जा रहे थे कहीं, ये दोनों लोग कहीं जा रहे थे, ऊपर से नीचे एक भिखारी जा रहा था सड़क पे। मैया देखी तो दया आ गई, मैया ने बाबा से कहा, प्रभु दया आ रही है, बेचारा गरीब है, कुछ धन दे दीजिए। बाबा बोले, भाग्य में नहीं है उसके। माँ बोली, मैं बोल रही हूं तो दीजिए, भाग्य में क्या नहीं होता है, आप देंगे तो क्या नहीं लेगा, दीजिए। अब बाबा क्यों ना माने बात भाई, बोले अच्छा ठीक है देता हूं। का किए, जिस रास्ते पे जा रहा था उसी में आगे ना, जैसे यहां पर है वो, तो उस दीवाल इतना दूर एक पोटली में सोने की असरफियों को भर के बाबा ने छोड़ दिया। ना आगे कोई ना पीछे कोई, चलते चलते जा रहा है, देख के उठा के ले लेगा, ठीक है ना। वो बेचारा चल रहा है, आधे पंडाल में गया ना तो सोचने लगा, बेचारे अंधे लोग कैसे चलते होंगे, बड़ा कष्ट होता होगा उन लोगों को चलने में, एक बार ट्राई करके देखा जाए। फिर आंख बंद करके चलने लगा, और आंख बंद करके चलते चलते चला, पोटली पीछे छुल गई, आगे चला गया। बाबा ने कहा, हो गया ना, मैं कह रहा था इसके भाग्य में नहीं है। समझिएगा, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी से कही है ये बात, श्रीधाम अयोध्या के महाराज के श्रद्धांजलि सभा में। कहें, भरत बेटा, विधाता ने मनुष्य को बनाया तो सब कुछ दिया, परंतु छह वस्तुओं को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रख ली, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहा। हानि लाभ, व्यापार में धन लगाना अपना काम है, परंतु धन लगाने के बाद हानि होगी अथवा लाभ, ये अपने हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। हानि लाभ जन्म मरण यश और अपयश, इन छह पर जीव का कोई अधिकार नहीं। तो फिर जिस पर अधिकार नहीं है उसके लिए क्यों हाय हाय करना है? हो है? जो मिलना है मिलबे करेगा, कैसे भी मिलेगा।
हमारे द्वारा किए हुए सत्कर्म का फल क्या है जो भरतवाद जी को मिला, क्या भगवत दर्शन। घर से निकले व्यापार में जाने के लिए, 3 बजे 2:30 बजे घर से निकले, कहा तनिक रायपुर जाए एक पेमेंट लाना है, तो कोई आपके दोस्त मिल गए, कहा रायपुर जाना है, हाँ चलिए 1 घंटा तनिक सत्संग में बैठ के फिर चल लेंगे ना, 1 घंटा बैठेंगे। उनके फटफटिया पर बैठ के आप कथा पांडाल में आ गए, बिना किसी रचना के कथा पांडाल में आ गए, तो घर जाकर भगवान से कहिएगा प्रभु आज के सवेरे वाला पूजा मेरा सफल हो गया, आपकी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। बिना किसी रचना के किसी संत का दर्शन प्राप्त हो जाए तो कहिए प्रभु आज का दिन सफल। यही फल है, भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए, भगवत कथामृत प्राप्त हो जाए, संत दर्श प्राप्त हो जाए, समझिएगा आज का दिन मेरा सफल हो गया। भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु मेरे पास जितनी पूंजी थी उन सबके बदले में आपका दर्शन मिल गया, ठीक, लेकिन प्रभु मुझे अब भी कुछ चाहिए, लेकिन जो चाहिए उसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन चाहिए तो कैसे मिलेगी, अब प्रभु आप अपनी ओर से कृपा करके दे दीजिए, मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं कि मैं दे के ले लूं, इसलिए आप ही कृपा करके दे दीजिए। कहते हैं अब करी कृपा देहु बर ए हो, क्या निज पद सरसिज सहज सने। कहते हैं भरद्वाज जी प्रभु मुझे चाहिए क्या, आपके चरण में सहज प्रेम चाहिए। क्या चाहिए, जोर से बोलिए, प्रेम नहीं चाहिए, सहज प्रेम। यदि प्रेम होता तो सहज ना लगता, ये सहज प्रेम कौन बला है, हो प्रेम तो प्रेम होता है। देखिए एकदम 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 सहज परिभाषा, एकदम सहज उदाहरण, आपसे हम पूछे शैलेश भैया सवेरे से काका किए हैं आप, बोलिए बोलिए कुछ भी बोलिए, जो किए हैं वही बताइए। नहीं बोलेंगे, अच्छा हम बोल देते हैं, किसी से पूछिए कि आपने सवेरे से क्या किया तो क्या कहेगा, कुछ नहीं महाराज घर से निकला 10 बजे, दुकान पर गया था, दुकान से निकलकर फिर वहाँ पार्टी के पास गया था, फिर एक मीटिंग में गया था, वहाँ गया था और देखिए 3 बजे आके कथा में बैठा हूँ, यही ना कहेंगे। अब इसी को मैं कह रहा हूँ, हमसे पूछिए महाराज आपने क्या किया, पूछिए हमने कहा क्या, हमारा सुनिए, 6 बजे उठा हूं, उठने के बाद अपने हाथ से अपन आंख को ऐसे 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 किया हूं, फिर बेड से उतरा हूं, बाथरूम का दरवाजा खोल के गया हूं, नलका अपने हाथ से घुमाया हूं, अब पानी लेके छोपा मारा हूं आंख में, तौलिया लेके पोछा हूं, ब्रश लेके ब्रश किया हूं, फिर आकर अपने हाथ पांव धो के बैठा हूं, फिर ये किया हूं। आप लोग ये सब काम नहीं किए का आज, तो भाई बताया क्यों नहीं, सीधे बोल दिए कि 10 बजे घर से निकले हम, यानी बिना ब्रश किए निकल गए। ये काम करता सब कोई है लेकिन बताता कोई नहीं, अब क्यों नहीं बताता ये सुनिए, किस लिए नहीं बताता कि इन सब कामों को जीव करता नहीं है, ये सब काम अपने आप होते रहते हैं। जीव जाएगा तो बाथरूम में अपने आप ब्रश पे हाथ पहुंचेगा, उसका समय है रगड़ने का। ये ब्रश करना, मुंह धोना, नहाना, भोजन करना, ये जीव की सहजा अवस्था है, इसको करना नहीं पड़ता, ये अपने आप होता है। उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु मैं आपको प्रेम करूं नहीं, मेरे मन द्वारा आपके चरणों में अपने आप प्रेम होता रहे, मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए।
करना ना पड़े। जिस काम को करना पड़ेगा उस काम के छूटने का भय बना रहेगा, और जिस काम को करना ना पड़े अपने आप होता रहे उसके छूटने का भय। आप बताओ, रात को सोते समय कोई सोचता है क्या, अरे भाई सो जाएंगे तो ससमा कौन लेगा? कोई सोचता है क्या कि सो जाएंगे तो सांस कौन लेगा? कोई नहीं सोचता। सोया रहे, जगा रहे, खाता रहे, चिल्लाता रहे, लड़ता रहे, मारता रहे, मार खाता रहे, सांस लेते रहता है। उसी प्रकार प्रभु से कहिए, प्रभु हम कहीं भी रहें, किसी भी हालत में रहें, सोए रहें, जगे रहें, उठे रहें, बैठे रहें, मेरे हृदय द्वारा अपने आप में प्रेम होता रहे, मुझे केवल एक यही आशीर्वाद चाहिए। करना ना पड़े, क्यों सब वही करा रहे हैं। हम केवल अभिमान पाल रहे हैं। क्या महाराज आपने कथा की है, अच्छा मूरख चंद, मूरख चंद। देखिए मैं बार बार कहता हूं, मैं कथा नहीं गाता। ये जो पीठ है ना, इसमें कुछ करंट है। हमसे लोग कहते हैं, महाराज आप जब व्यासपीठ पर बैठे हैं तो अलग दिखाई पड़ते हैं, और कमरे में मिलते हैं तो हम लोगों जैसे दिखाई पड़ते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई वो व्यासपीठ पे महिमा होती है, पीठ की महिमा। आजकल पेन ड्राइव का जमाना आ गया है, पेन ड्राइव ई प्लेयर है, हो पेन ड्राइव प्लेयर है, और इसमें हमारे पूज्य महाराज जी की कृपा रूपी चिप लगी है। हाँ, कृपा रूपी चिप लग गई इस पेन ड्राइव प्लेयर में, और इस पिठवा पर ना भगवान का आशीर्वाद रूपी करंट है। तो जैसे आता हूँ बैठता हूँ, चिप लगा हुआ है, और जहाँ करंट पास हुआ ये प्लेयर बजने लगता है। जब तक करंट है तब तक बज रहा है वो, जब तक इनका आशीर्वाद रूपी करंट है तभी तक ये बज रहा है। जिस दिन हुआ उस दिन अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि हम कर रहे हैं। अरे मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन, किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन,
ये कहने वाला मैं मेरा, ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी समझिएगा, दुनिया की कोई भी जमीन कोई भी संपत्ति 100 साल में अपने मालिक का नाम बदल, एक आदमी के नाम पर एक जमीन 100 साल नहीं रहती हो, 100 साल के भीतर नमुआ बदल जाता है, कब तक रहेगा विचार करिएगा, जो मिला है कब तक रहेगा। साधक कहता है जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता छुड़ जाए कोई भरोसा नहीं, कब अधिकार छिन जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए जब तक अधिकार मिला है जितना बदलाव करना है कर जाओ प्यारे। कहने का अर्थ है हाथ में, पांव में, आंख में, कान में, नाक में, मुंह में, ये जब तक ठीक है तब तक जितना करना है कर जाओ, का पता कब लकवा मार जाए हो, का पता टेढ़ हो जाएगा फिर करने के चाह कर भी नहीं कर पाओगे। अब प्रश्न है करना क्या है, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत इनसे की, किसी का
किसी का है दिया मैं नहीं मेरा नहीं। दिया भगवान ने, देने वाले ने भी दिया, वो भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। दिया भगवान ने, हम कहते हैं नहीं मेरा है, मैं महाराज मैंने बनाया है। अच्छा मैंने बनाया है। कबीरदास जी एक बड़ी अच्छी बात कर गए। कबीरदास जी कहते हैं मैना ने मैना कहा, मैना समझते हैं ना, मैना क्या बोलती है, मैं ना क्या बोली, मैना ने मैना कहा तुम मोल भयो दस बीस, अब बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। मैना ने कहा मैं नहीं तो मोल हो गया, बकरा मैं कहा तो गर्दन कट गया। इसलिए हमारा भी न कट जाए, मैं बंद करिए। मैं नहीं कौन तू। सहज प्रेम मतलब करना न पड़े, अपने आप होता रहे। प्रभु भैया और मैया के साथ भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल भया है, प्रातः क्रिया से निवृत्त भय है, और उसके बाद भरद्वाज जी से प्रभु ने आज्ञा मांगी, नाथ कही हम के ही मग जाही। देखिए मार्ग सबसे नहीं पूछना चाहिए, मार्ग किससे पूछना चाहिए, जो उस रास्ते पर आता जाता रहे ना उसी से पूछना चाहिए। हैं? राम जी ने भरद्वाज जी से क्यों मार्ग पूछा और किसी से नहीं पूछा? अच्छा आप बताइए, मार्ग बताने के लिए ही निषाद राजगुरु चल रहे हैं साथ में, वो तो रास्ता ही बताने के लिए लगे हैं साथ में। तो जब एक आदमी रास्ता बताने वाला है तो उसके सामने दूसरे से रास्ता क्यों पूछना, और भगवान भरद्वाज जी से ही क्यों पूछे? भरद्वाज जी का परिचय याद करिए, जब गोस्वामी जी ने भरद्वाज जी का परिचय दिया क्या बोला, अरे भरद्वाज मुनि बसही अनुरागा ते नहीं राम पद अति
श्री भरद्वाज जी का परिचय क्या है? तपस्वी है, सम दम दया के भंडार है और परमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी परमार्थ पथ पे यात्रा करने वाले सज्जन पथिक हैं। किस पथ पे? किस पथ पे? परमार्थ पथ पे। राम जी कौन है? तो राम ब्रह्मा परमार्थ रूपा। राम जी परमार्थ के स्वरूप हैं और जो राम जी परमार्थ के स्वरूप हैं उसी परमार्थ की पथ पे भरद्वाज जी आते जाते हैं। तो राम जी इनसे रास्ता नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? राम जी ने कहा, कहिए प्रभु हम किस मार्ग से जाएं। यहां राम जी निषाद राजगुरु से कह रहे हैं, मित्र आप मन में दुख मत लाइएगा कि आप रास्ता बताने के लिए हैं और आपके सामने ही मैं इनसे रास्ता पूछ रहा हूं। अब मैं आपके रास्ते पर नहीं चल सकता, क्यों? मैं परमार्थ हूं और ये परमार्थ के यात्री हैं, इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूं। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जब चला जाऊंगा ना तो मेरे जाने के बाद मुझे विश्वास है कि मेरा एक छोटा भाई है भरत, वो मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा। आप प्रेम मार्गी हैं और वो मेरा भाई भी प्रेम मार्गी है। आप मेरे भाई भरत को रास्ता बताते बताते वो आपके बताए रास्ते पे चलेगा। आप मेरे भाई का मार्गदर्शन करके और भरत को मेरे तक पहुंचाइएगा, ये आपका काम है। भरद्वाज जी से जैसे प्रभु ने मार्ग पूछा, भरद्वाज जी ने 50 शिष्यों को बुलाया। ये कोई साधारण शिष्य नहीं थे। चार वेद हैं, चार उपवेद हैं, कितना हो गया? 8। 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, कितना हो गया? 18, 36 और पहले 8 कितना हुआ? 44 और 6 शास्त्र है, 44, 6, 50। यही 50 शरीर धारण करके चले आए। जाने वाले कितने लोग? 4 लोग। जाने वाले कितने लोग? 4 लोग। कौन? सीताराम जी, लक्ष्मण जी, निषाद राजगुरु जी। तो रास्ता बताने वाले के लिए भी भरद्वाज जी ने 4 लोगों को बुलाया, 4 शिष्यों को। कौन? 4 जो वेद स्वरूप बटु थे उनको भरद्वाज जी ने आगे बुलाया और कहा आप जाइए राम जी का मार्गदर्शन करिएगा। भरद्वाज जी को प्रणाम करके प्रभु आगे चले हैं। चलते चलते यमुना जी का पावन तट आया है। यहां से प्रभु ने निषाद राज भरद्वाज जी के शिष्यों को विदा किया है। यमुना जी में प्रभु ने स्नान किया। यहां पर मानस में एक तपस्वी के आने का प्रसंग है। वो तपस्वी कौन है कोई नहीं बता पाया। कई लोग कई तरह की बात करते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि हनुमान जी महाराज पहुंच गए, कई लोग कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग आए थे, कई लोग कहते हैं चित्रकूट आए थे सूक्ष्म स्वरूप धारण करके। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा गोस्वामी जी कथा लिख रहे हैं, ठीक ना? भगवान तीर्थराज प्रयाग से चल के यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं। जब आप प्रयाग से चित्रकूट की ओर बढ़ेंगे और जैसे यमुना जी का तट आएगा ना, उसी यमुना जी के तट के किनारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव राजापुर है। तो यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी सोचने लगे कि भगवान प्रयाग से चल के यमुना जी के किनारे आ गए, अरे भगवान तो हमारे गांव के लगे आ गए हैं, प्रभु हमारे गांव के पास आ गए हैं, इतने निकट से प्रभु जा रहे हैं, चलकर प्रभु को प्रणाम कर लिया जाए। तो यहाँ तपस्वी के रूप में सूक्ष्म भाव से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी पहुँच के प्रभु के चरणों में दंडवत किए हैं। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया, आशीर्वाद लेकर तपस्वी कहे तो पूज्यपाद गोस्वामी जी विदा लेते हैं। इसी यमुना जी के तट से प्रभु ने निषाद राजगुरु को भी बरबस विदा कर दिया। मित्र राजा के बिना राज्य का भला नहीं हो सकता, आप बहुत सेवा भाई अपने नगर वापस जाइए।
अब निषाद राजगुरु को भेजने के बाद यमुना जी के तट से तीन लोग, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, तीन लोग चल पड़े। आपको बतावें, राम जी जब चलते थे ना तो रास्ते में देखते थे कहाँ कहाँ कांटा है, और प्रभु जानबूझकर कांटों के ऊपर पांव रख रख के चलते थे। क्यों? रास्ते के सारे कांटे यदि मेरे पांव में चुभ जाएंगे ना तो मेरे पीछे मेरी जानकी और लक्ष्मण के पांव में एक भी कांटा नहीं चुभने पाएगा, इतना प्रभु ध्यान रखते हैं। माँ से कहते हैं, धरती मैया से राम जी कहते हैं कि माँ जितने कांटे हैं मेरे पांव में चुभा दो, लेकिन माँ मेरे बाद मेरा भाई भरत आएगा, उसके पांव में एक भी कांटा मत चुभने देना माँ। धरती मैया ने कहा, प्रभु संसार में आपसे कोमल कोई नहीं है, यदि आप इन कांटों की पीड़ा को बर्दाश्त कर ले रहे हैं तो क्या आपके भरत जी नहीं कर पाएंगे? प्रभु ने कहा, ऐसी बात नहीं है, यदि भरत के पांव में एक भी कांटा चुभा तो फिर भरत सोचने लगेगा कि इसी रास्ते से तो मेरे भैया भी गए होंगे, और जैसे मेरे पांव में चुभा मेरे भैया के भी पांव में चुभा होगा, मेरे पांव में कांटा चुभा है, यदि इस बात का पता मेरे भरत को चल गया माँ तो जो पीड़ा मेरे भरत को होगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती है, इसलिए मुझे चुभ जाए उसको ना चुभने पाए। तीनों लोग चल रहे हैं, रास्ते में लोग मिलते हैं, जो मिलता है रुक जाता है, कहते हैं कौन है भाई आप? अंग तो बता रहे हैं कि राजा के घर के हैं, लेकिन वेश राजाओं जैसा नहीं है, कौन है आप? लोग परिचय पूछते हैं कि कहावा से अला धनुर्धर बटोही अजैब कहा कौन धाम है बबुआ अपन बता द तू ना पिता को आप पे तनिक भी दया नहीं आई है? जिस स्वरूप को आंख में बसाना चाहिए उसको जंगल में भेज दिए। कहते हैं के करा के कुखिया में लिहल जनमा के करा के कुखिया में लिहल जनमा कौन पिता के विदित कैल नमा संजुत शरीरिया राजा के रक्षण से संजुत शरीरिया तीनों के देखी के ल जा
श्याम हे बबुआ आपन बता है वो जिसने अपने घर के लक्ष्मी को ही ठोकर मार के बाहर निकाल दिया है। कहां से आए हैं कि जहां के लोगों का दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया है, किसी ने रोका नहीं। कौन नृपतिया से लक्ष्मी री सैली, कौन नृपतिया से लक्ष्मी री सैली, कहां वा के लोगवा के भगिया न सैली, कहां वा के लोगवा श्याम सुंदर, वो जो आम का बगीचा है ना, वो हमारा बगीचा है, हमारा अपन बगीचा है। कोई मना भी नहीं करेगा, लेकिन धूप में चलते चलते चेहरा लाल हो गया है आपका। चलिए ना, थोड़ी देर बैठ के आराम करके फिर जाइएगा। कहते हैं तीनों जन अमावा के निचवा छहाईला, तीनों जन अमावा के तनिक रोटी साग खाइला, बाड़ खाइल तनिक रोटी साग खाइला, गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव, गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव, यही जा रहा आठो जाम हे बबुआ अपन बता दे, बबुआ अपन बता दे। लोग मिलते हैं, पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, कौन है, कहिए तो हम आपके साथ चल चले। भगवान ने किसी को साथ नहीं लिया, जो आया उसको विदा करते गए। जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठकर विश्राम करते हैं, उस वृक्ष की प्रशंसा कल्प वृक्ष करते हैं। जिस नदी सरोवर के निकट से प्रभु गुजरते हैं, उसकी महिमा का गुणगान गंगा जी करती हैं। आपसे बड़भागी कौन है, राम जी आपके पास चले आए। जिस पर्वत के बगल से प्रभु गुजरते हैं, उसकी प्रशंसा हिमालय करते हैं। भगवान रुकते बैठते जाते हैं, गांव-गांव के लोग बाहर निकल जाते हैं देखने के लिए। कोई लाठी लिया है, कोई डंडा लिया है, सब ले खड़े, कहते भाई इतना सुंदर रूप नहीं देखा। बगल वाले से पूछते तुमने देखा है का, बोले हम भी नहीं देखे। एक कहता कि हमको तो लगता है ना कि ये अपने आप प्रकट हो गए होंगे, इतना सुंदर कोई बना थोड़ी सकता है, ये जरूर अपने आप प्रकट भए। तीसरा कहता ठीक बोलते हो, तीन लोक चौदह भुवन में चले जाओ, इतना सुंदर थोड़ी कोई हो सकता है, ये अपने आप ही प्रकट भए। चौथा बोलता एकदम सही, ब्रह्मा जी तो कदापि नहीं बना सकते इतना सुंदर, ब्रह्मा जी के बसे की बात नहीं है। तो पांचवा कहता है ना 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 है, मुझे जैसा लगता है ना
कि इनको तो ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। हाँ, ये तय है कि इनको ब्रह्मा जी ने ही बनाया है, लेकिन इनको जैसे ब्रह्मा जी बनाए, ब्रह्मा जी ही इनके रूप पर पगला गए, मोहित हो गए और लगे इनके जैसा दूसरा बनाने। बहुत मेहनत करने के बाद भी जब ब्रह्मा जी इनके जैसा दूसरा नहीं बना पाए, तो मारे जलन के ब्रह्मा जी ने इन लोगों को वन की ओर भेज दिया। जलन निकाला है ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी ने ही बनाया इनको। गांव के लोग हो, कितने निर्मल है। एक आदमी कहता है कि अरे चलो कोई बात है, जो भी हो, इनके माता पिता ने बहुत बढ़िया किया, इनको घर से बाहर निकाल दिया। पूरा का पूरा गांव टूट पड़ा मारने के लिए। क्या फिर से बोलेगा, फिर से बोलेगा? अरे झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। कहता ये बताओ, यदि इनके माई बाप इनको घर से बाहर न निकालते, तो आज हम लोगों को इनका दर्शन कैसे मिलता? इनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला, दोबारा मिलता क्या? जो जहां है वहीं से बोल रहा है। चलते चलते राघव जी ने देखा कि मां थक गई है। एक गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे मैया के साथ प्रभु बैठ गए। गांव वालों ने देखा, ऐ दौड़ पड़े। जानते हैं आज भी छत्तीसगढ़ में भी सुना हो कि भीतर में आदिवासी क्षेत्रों में अभी आधुनिकता बहुत दूर है, जैसा सुना हूं मैं। उड़ीसा में भी है ऐसा, उड़ीसा में एक तो स्थान ऐसा है कि जहां घर में कपड़ा एक ही है, जो घर से बाहर जाता है उस कपड़े को पहन के जाता है, ऐसी भी स्थिति है। अभी मैं मध्य प्रदेश में, हम लोग एक महात्मा से मिलने जा रहे थे अभी 2 महीना पहले, झांसी कथा में, रास्ता भटक गए और चलते चलते जंगल पहाड़ होते हम लोग अंतिम गांव में पहुंच गए। जब वहां गाड़ी पहुंची तो गांव वालों को लगा कोई अजूबा आ गया है, पूरे गांव के लोग घेर लिए हम लोग को। फिर किसी तरह हम लोग वहां से वापस आए, तो गांव में ना कोई बाहर का शहर का आदमी आ जाए तो लोग देखने जाते हैं, ये शहरी बाबू आए हैं, ठीक ना? राम लक्ष्मण जी पहुंचे ना मैया, पूरा का पूरा गांव देखने के लिए उमड़ पड़ा, कौन आया भाई अजूबा जैसा? सब लोग आए हैं, देखे कि चेहरा लाल भया है और मुंह सूखा है, तो कोई पानी लेके दौड़ रहा है, कोई फल लेके दौड़ रहा है, कोई कपड़ा लेके हवा करने के लिए दौड़ रहा है, सब आके सेवा करने लगे। गांव की स्त्रियों ने देखा कि पुरुषों के बीच में वो स्त्री अकेले बैठी है, तो गांव की औरतों ने मेरी किशोरी मैया को अपने पास बुला लिया। पास बुला कर कहती है, देखिए औरतों का एक बड़ा बढ़िया स्वभाव, इस स्वभाव भगवान ने केवल माताओं को दिया है, का 2 माई को, 2 माताजीलों को 5 मिनट के लिए एक कमरे में बंद कर दीजिए। 5 मिनट बहुत है, उनके घर में कौन है, कितना कौन का कितना लड़का है, बहू कैसी है, मरखा है कि अच्छी है, काम करती कि नहीं करती है, बच्चे कितने हैं, बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, इनके घर का वो जान जाएंगे, उनके घर का ही जान जाएंगे। अब भैया लोग यहां से दिल्ली चले जाएंगे, एगो ईर घाट एगो मीर घाट, माताएं जानकी मैया को लेकर आई। अब देखिए सहज स्वभाव, परिचय पूछने का, कहती हैं, ऐ सुंदरी हमको बोलने नहीं आता है, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, बताइएगा ना? माँ ने कहा कहो। तो देखिए प्रश्न सुनिए, कहती हैं, कोटि मनोज लजावनी हारे सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। क्या पूछती हैं? वो जो अपनी सुंदरता से करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लज्जित कर रहे हैं, वो आपके क्या लगते हैं? किसके बारे में पूछा गया? राम जी के बारे में। कहती है वो जो सांवले रंग के हैं ना, बहुत सुंदर है, वो आपके क्या लगते हैं? प्रश्न किया गया राम जी के बारे में। अब मेरी मैया का उत्तर सुनिए। माँ कहती हैं, सहज सुभाय
सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। गांव की औरतों ने पूछा राम जी के बारे में, मैया कहती हैं जो बड़े सुंदर दिख रहे हैं ना, गोरे वाले हैं ना, वो हमारे छोटे देवर हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, इसी के भीतर छिपा हुआ है, यदि गोरा वाला देवर है तो सांवले वाले पति हैं, अलग से थोड़ी बताना। गांव की स्त्री ने कहा कि उसके बारे में पूछा कौन, वो तो देखने में खिसिया लग रहा है, हमको उसके बारे में नहीं पता लगाना, वो सांवले कौन लगते हैं आपके ये बताइए। माँ सोची लगता है परिचय बताना ही पड़ेगा है। माँ ने देखिए माँ ने क्या किया, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। शरीर रूपी आकाश में जो मुख रूपी चंद्रमा है माँ का, माँ ने अपने मुख को अंचल रूपी बादल से ढक लिया, आंचल लगा दिया। फिर पिय तन चितई भौह करी बाकी। माँ ने आंचल लेकर सर को ढका और आंख के भौहों के इशारे से केवल ऐसे तिरछे करके भगवान को देखा और देखकर माँ ने लज्जापूर्वक अपने नेत्र को नीचे झुका लिया। बस प्रभु को देखकर और शर्मा कर माँ ने इशारे इशारे में बता दिया कि आप जिनके बारे में पूछ रही हैं वो और कोई नहीं, वो मेरे परम सौभाग्य है, मेरे अखंड सौभाग्य है वो। एक गांव की स्त्रियों ने जब प्रभु का परिचय सुना, माँ के पति हैं, सारी गांव की स्त्रियां आशीर्वाद देने लगी। पार्वती सम पति प्रिय आशीर्वाद देती हैं गांव की स्त्रियां, पार्वती सम पति प्रिय हो। जिस प्रकार पार्वती जी को उनके पति शिव जी प्रेम करते हैं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके पति राघव जी भी आपको वैसे ही प्रेम करेंगे। आशीर्वाद मिल गया माँ को। एक स्वभाव बनाइए, बच्चों को भी स्वभाव पकड़ाइए, क्या जो मिले उसको प्रणाम करें, जो मिले प्रणाम करे, वो प्रणाम करे उससे पहले आप ही प्रणाम कर लीजिए उसके। कर देखिए जो पहले करेगा उसका अकाउंट भरेगा। आप ये मत समझिए कि मुख से आशीर्वाद देने से ही आशीर्वाद जाता है, मुख वाला आशीर्वाद नकली आशीर्वाद होता है, है? सत्य बताएं, आशीर्वाद मुख से नहीं जाता, आशीर्वाद शरीर के रोम छिद्र से जाता है, रोम रोम से। मुख से जाएगा तो एक जाएगा और रोम से जाएगा तो शरीर में कितने रोम है, करोड़ों, एक साथ करोड़ों आशीर्वाद चला जाएगा। अभ्यास में आए, जो दिखाई पड़े हम प्रणाम करें, इसके लिए अपने आप को छोटा मानना पड़ेगा। छोटा बन के रहा जाए बहुत फायदा है, घर में जो छोटा है ना उसको बड़ा आनंद है, कौनो समस्या, हम का जाने, भैया जाने, कौनो बात, हम का जाने, भैया जाने, हम तो छोटे हैं, सारा समस्या बड़े के लिए, छोटे के लिए कोई तो आनंद चकाचक हरियर है, कोई समस्या नहीं। छोटा बन के रहेंगे ना तो जो आएगा आशीर्वाद देकर जाएगा, और जहां बड़ा बनने का प्रयास करेंगे आशीर्वाद मिलेगा नहीं, केवल आशीर्वाद देना पड़ेगा। इसलिए हम तो सबसे पहले हम ही हाथ जोड़ लेते हैं, कोई हमको प्रणाम करता है ना तो पहले ही हमारा जोड़ लेते हैं, 50-50 हो जाए है?
प्रणाम करने का स्वभाव बने, दंडवत दंडवत प्रणाम करने का। और एक बात, दुनिया में किसी के भी सामने बड़े बन जाइएगा, किसी के भी सामने, लेकिन भूल कर भी अपने माता पिता के सामने बड़ा बनने का प्रयास मत करिएगा, भूल कर भी नहीं। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, माता पिता से बड़ा नहीं होता है वो, माँ के सामने ना उसका छोटा बच्चा बन के रहने में आनंद है, है? कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए। मेरी किशोरी मैया को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, प्रभु थोड़ी देर विश्राम करके उस गांव से बाहर से चले हैं। चलते चलते मेरे राघव जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, देखत बन सर सैल सुहाए वाल्मीक आश्रम प्रभु आए, देखत बन सर सैल सुहाए वाल्मीक आश्रम प्रभु आए, राम देख मुनि वास सुहावन सुंदर गिरि कानन जल पावन, राम देख मुनि वास सुहावन।